नमस्कार जय जगन्नाथ पूरी उपाय स्वागत करुच्ची मो ओडिया चैनल उषाड़िया चैनल को आपण मैंने केमिती अच्छा हब्स आपने समस्ते भल घर सुस्थ थे मु प्रभु जगन्नाथ आगे प्रार्थना करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे था सुस्थ था खुशी रहा मुझे आसी गोटे नुआ स्पेशल रेसीपी नहीं कि जदि मो रेसीपी भल लगे लाइक करदे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके अल् नोटिफिकेशन ऑन करदे जहाद्वारा मुझे जहाँ भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड कले आपरे पहुँची पार देखनी मुझे कौन बनैबी आपड़ो देखिक जानपड़ी मुझे कौन स्पेशल रेसीपी बनैबी मुझे बनैबी मड़ मणा भजा प्रस्तुत करी फिश फ्राई प्रस्तुत करी चलो तो आउ लेट करानी तर प्रोसेस स्टार्ट करवा मुझे प्राय 800 ग्राम माछ नहीं परिष्कार धोई नहींपर ये 1 टी स्पून सोरस तेल एड करपर 1 टी स्पून हलदी गुंड 1 टी स्पून लंका गुंड 1 टी स्पून चिकेन मसाला तापर 1 एंड हाफ टी स्पून ए लुण रही तापर मुझे 1 टी स्पून चिकेन मसला एड करुच्ची भल से गोली नहीं कि कभर कर प्राय अध घंटा बा 20 रु 25 मिनट जाए आम घोड़े नेबा देखु मोर 20 रु 25 मिनट हो गला मुझ कभर को काढ़ देखी नौ जहाद्वारा आम मसला सब आम मछे अबजर्व करब भल से देखु तापर मुझे छणा भजापी कौन कौन सामग्री विषय देखने मुझे नहीं चाउल चूना आउ किछ नै छी कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं छी आउ किछ राशि नहीं छी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आसे राशि पकाइले आउ किछ अदा रसुण पेस्ट नहीं छी चलंतु गोटे बेटर आमे प्रस्तुत करिबा आम माछर उपरे देखंतु मु एथरे 2 टीस्पून चाउल चूना दउ छी तापरे 2 टी स्पून कॉर्नफ्लोर देबी तापरे मु जो राशि रखी ऐड कर देबी तापरे 1 टी स्पून ये मु अदा रसुण पेस्ट देबी ये सब को मु भला से गोली नेबी देखु मु सब भल से मुझे गोली नौची तापर टे अल्प टिके पानी टिके एड कर बेटर सुखिला लगला से अल्प गोटे 1 टी स्पून एनी एड कर अधिक पा एड करें जहाद्वारा मसला आम सब मछर बाहरी जब छणा भजार फ्राए भल से हेनी देखु कम ही पा मुझे एड कर तापरे मसला सब मछरे सबूतक मुझे भल से मु चार स्प्रेड कर प्राय 5-10 मिनट जाए आम टे कभर करे बहुत ही गोटे स्पेशल मछ प्राय मुझे प्रस्तुत करश्चय एमती आपण मैने मुझेमी बनाऊे सेमती थे बनईक देखिए बहुत ही बढ़िया लगे बहुत ही क्रिस्पी लगे चलतु वर्तमान आम फ्राए प्रस्तुत करवा तार प्रणाली देखने देखु गोटे कड़ाई रे ये तेल नेली तेल जमी जमी आम मेल भिजी र तापर मु गोटे गोटे माछ को मु टिके छड़ा छड़ा करके टिके अल्प ग्रेप रखिकी मु गोटे गोटे माछ पीस को पकई नौची मीडियम जाड़ा रे आमे माछ को फ्राई करिबा प्राय 3-4 मिनट आमे आपको छाड़ी नेबा देखंतु मु टिके ता ऊपर टिके तेल टिके स्प्रेड कर दउची जहाद्वारा आपण अति सहज रे फ्राई करि नबो एवं तळे जमारु लागिबनी बहुत ही सहजरे आम ओलटाई पार देखु मार मोर 3-4 मिनट हो गला मुझे ओलटाई नौ
माछ मन रखि फ्रेंड्स आम जो माछ फ्राए आम तेल जिते एड करवा आमर तेल जो गरम होमर गैस जाल को मीडियम करापर मछ को से तेल एड करवा प्राय आम एम तीन रु चार मिनिट ताक छाड़ ने जमार ओलटाइबानी ओलटाइले मछ तले लगे आमर कड़ाई रे यही टीप्सटा को मोर एटा मन रखि देखु मोर मछ को ओलटाई नी वन साइड मोर फ्राए हो गलापर पुणी सेकेंड साइड मध्य ओलटाई नौ देखु फ्रेंड्स मोर के बढ़िया मछ फ्राए हो बहुत ही बढ़िया बहुत ही क्रिस्पी लगुच भितर सॉफ्टा ऊपर टिके क्रिस्पी अच्छी जहाद्वारा मछ फ्राए खावाको बहुत ही बढ़िया लगुच राशि पड़ी जहाद्वारा तार फ्लेवर मध्य बहुत ही बढ़िया लगुच देखु फ्रेंड्स मोर के बढ़िया मछ प्राए मोर प्रस्तुत हो देखु मोर दुई साइड फ्राए हो गलामती गोटेपट साइड देखु मोर टे हल्का ब्राउन कलर आसीगला पुणी आरपट साइड भी मोर भल से कुक होमती ब्राउन कलर हो गला सबुतक मछ मोर फ्राए हो गला बर्तमान मोर गैस आंच को स्लो करदेवि आ तापरे मो माछ गुड़ी को सब गोटे प्लेट को काढ़ी नेबी पुणी से प्रोसेस रे आमर जहाँ सब माछ अच्छे सेमती भाजी ने देखु केते बढ़िया बनी मोर माछ प्राय थरे मोर यही रेसिपी को आपण मैंने निश्चय तरह ट्राए करेंगे तापरे मते कहिबे केमिति मो आपण मानकर बनी फ्रेंड्स आ जो आ मोर बड़का जो माछ थिला मु से सब तक को मोर ए तेल रे एड कर दउची बहुत ही बढ़िया मोर बनी फ्रेंड्स थे एमती निश्चय ट्राए करेंगे आ जो मोर भाई भी मु रिक्वेस्ट करुच्ची जो भाई भी मैंने मोर आज पर्यंत मोर सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज से मोर बहुत रिक्वेस्ट करुच्चे प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु मत सपोर्ट करूँ सब्सक्राइब करें कौन सी भी पैसा पड़े नहीं कौन सी टाँचा पैसा लगे केवल आपण मान सपोर्ट मत दरकार से हेले एमती बहुत बढ़िया बढ़िया नुआ नुआ रेसीपी आपखे पहुँचे पारि देखु मोर सेकेंड भी मछ भजा मोर से प्रोसेस मुझ को छाणी ने देखु फ्रेंड्स मुझे बहुत ही कम तेल यूटिलाइज करधिक तेल जमारू करनी कम तेल में मोर मछ छणा भजा मोर प्रस्तुत हो गला भितरे देखु मोर मछ भी बहुत भल से भितर भी जमार कंचा रही भितर भी बहुत ही बढ़िया मोर कुक मन रखि आम जितेबले तेल जो गरम करुचे फास्ट तेल टिके गरम होगा छाड़ीदे आम जो मछ पक हमें मीडियम जाल ही करिबा अधिक जाल करिबेनी अधिक जाल कले आमर भितर कंचा रही जीवो ऊपर पुटु जळी जीवो जहाद्वारा माछ बहुत ही बेकार होई जीवो आमर सेतिबे एही टिप्स टाकु मोर निहाते मन रखिथिबे मीडियम जाल करिकि माछ सबुतिकु पकेबे तापरे मीडियम जाल रे प्राय 3 रु 4 मिनिट कुक करबे ताकु छाडी देबे आउ जदि आपण कम तेल रे छणा भजा करिया चाहौछथि ताले आपण तेल जो गरम होते पकाऊपर टिके तेल टिके स्प्रेड करदे जहाद्वारा ऊपर पट भी कम तेल रे कुक हो देखु मु बहुत ही एमती बहुत टिप्स गुड़ी आपण मानक कहूँ आपण मैंने कम तेल छणा भजा प्रस्तुत करें देखु देखु मोर सबुतक प्राय कुक हो सबुतक को मु गोटे प्लेट को काढ़ी नौ फ्रेंड्स मो वीडियो जदि आपण मानक भल लगला तले निश्चय लाइक करेंगे लाइक करने को बहुत जन भूली जाद्वारा मु
ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେମିତି ବନେଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ, ମାଛର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ତେଲରେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଜମାରୁ କଞ୍ଚା ନାହିଁ, ବହୁତ ହି କ୍ରିପ୍ସି, ବହୁତ ହି ଭିତର ସଫ୍ଟ, ବାହାରେ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଛଣା ଭଜା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥାରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେସିପି ରହିଛି, ପୁରୁଣା ରେସିପି। ଯଦି ମୋର ରେସିପି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଦେଖିବାକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ କନଭରସେସନରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ମାଛ ଛଣା ଭଜା କେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ତାରେ ବନେଇକି ମୋର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସ ସବୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ମୋର ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଛ ଛଣା ଭଜା। ଆଉ କାହାର କାହାର ମାଛ ଛଣା ଭଜା ଫେଭରେଟ୍ ମୋତେ କନଭରସେସନ୍ରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ। ମୋର ତ ଏଇ ମାଛ ଛଣା ଭଜା ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ କାହାର କାହାର ଫେଭରେଟ୍ ମୋତେ ସିଓର ମୋତେ କନଭରସେସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ବନେଇଛି, ବହୁତ ହି କ୍ରିପ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ପଟ କେତେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିବ। ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ରେସିପି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ୟମି ରେସିପି, ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦରକାର, ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତା ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।